नमस्कार। COVID-19 परिस्थितिर मुकाबला करिबा पाई कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास सारंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यम रे ओडिसार छात्र छात्री मानक पाई झोरी आसीथिबा CBCS पाठ्य खसड़ा संबलित प्रश्न उत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु मिस प्रगति आपण मानक स्वागत जनाउछि। भारतीय अर्थनीति को अवक्षयर धारू समृद्धि आड़ को आकर्षि आणवाई आद्य मध्ययुगीय भारत में विद्वान मानक प्रयास किभली तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर कृषि उत्पादन को अर्थनीतिर मानदंड रूपे ग्रहण करने पथ परिष्कार कृषि कार्यर उन्नति वैश्य अशूद्र मानू विनियोग कि भारतीय अर्थनीति नूतन प्रवाह को सृष्टि करथिला से संपर्क आज प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, मनुस्मृति वृक्ष छेदन क्यों अपराध रूपे विवेचना करा जाउथिला? उत्तर, राष्ट्रीय अपराध रूपे। प्रश्न दुहे, मध्ययुगीय भारत में क्यों वृत्ति को आलबिरुणी तांका विवरणी रे एक गुरुत्वपूर्ण स्थान प्रदान करिथिले? उत्तर, कृषि वृत्ति को। प्रश्न तीन, आद्य मध्ययुगरे नगर सभ्यतार पतन क्यों वृत्ति को आपणई नेबा पई प्रोत्साहन प्रदान करिथिला? उत्तर, कृषि वृत्ति को। प्रश्न चार, क्यों कारण पई आद्य मध्ययुगीय भारत रे कृषि कार्य एक मुख्य जीविका रूपे ग्रहण करा जायथिला? उत्तर, शिल्प भित्तिक व्यवसायर अवन्नति घटिथिबा कारणरु। प्रश्न पांच, आद्य मध्ययुगीय भारत रे प्राचीन शहर गुड़िकरे क्यों माने बहुल संख्या रे बसवास करुथिले? उत्तर, सैन्य, प्रशासक, कुशली कारीगर, बणिक, ब्राह्मण इत्यादि। प्रश्न छह, क्यों मानकर स्थानांतरण जोगु ग्राम गुड़िकरे आद्य मध्ययुगीय भारत रे कृषिर उन्नति साधित होइथिला? उत्तर, सहरर ग्राम को ब्राह्मण मानक स्थानांतरण जोगु। प्रश्न सात, आद्य मध्ययुगर ग्रामीण बसती गुड़िक संपर्क क्यों क्यों सूत्र तथ्य हासिल करा जाए? उत्तर, अपराजिता प्रश्च, स्कंध पुराण एवं अनन्य ग्रंथ गुड़िकरु। प्रश्न आठ, आद्य मध्ययुगर केतोटी ग्रामीण सभ्यता संपर्क स्कंध पुराण गुड़िकरे वर्णना देखा मिली थाए? उत्तर, 70 गोटी ग्राम संपर्क। प्रश्न नौ, प्रारंभिक मध्ययुगरे राजा मानकर राजनैतिक और सामाजिक मान्यता किभली निर्धारित होउथिला? उत्तर, ग्राम गुड़िकर संख्या, आकार और जनसंख्या उपरे निर्धारित होउथिला। प्रश्न दस, क्यों कारण जोगु आद्य मध्ययुगीय भारत रे ब्राह्मण और क्षत्रिय माने कृषि वृत्ति को आपणई नेइथिले? उत्तर, एहा एक सम्मानस्पद और लाभदायक वृत्ति थिबा कारणरु। प्रश्न एगार, ब्राह्मण और क्षत्रिय मानंकु सामाजिक नियम प्रणेता माने कृषि वृत्ति को आपणई नेबा बेले क्यों नियम पालन करिबा पई उत्साहित करथिले? उत्तर, केतक सामाजिक सत्तावली पालन करिबा पई। प्रश्न बार, आद्य मध्ययुगीय भारत रे ब्राह्मण और क्षत्रिय माने कृषि वृत्ति को आपणई नेबा पई क्यों मानंक ठारु सर्तावली युक्त अनुमति प्राप्त करुथिले? उत्तर, सामाजिक नियम प्रणेता मानंक ठारु। प्रश्न तेर, जणे व्यक्ति द्वारा जमी कर्षण सर्तावली संपर्क रे बृहस्पति क्यों सर्त पालन करिबा पई उपदेश देथिले? उत्तर, जणे व्यक्ति निज भूखंडर राजांकु एक षष्ठांश, देवतांकु एक विशांश एवं ब्राह्मणंकु एक त्रिशांश प्रदान करि भूमिकर्षण वृत्ति को आपणई नेबा उचित। प्रश्न चौदह, बृहस्पतिंकर जमिकर्षण नियमावली काहेकि समाज पई गुरुत्वपूर्ण थिला? उत्तर, जमिकु कृषि जनित अधगतिरु मुक्त रखिबा पई गुरुत्वपूर्ण थिला। प्रश्न पंदर, बृहस्पतिंकर भूमि अनुदान नीति क्यों ब्राह्मण मानंक प्रति लागू हेउथिला? उत्तर, ब्राह्मण कुळरे जन्मित व्यक्ति एवं कृषि को मुख्य वृत्ति रूपे आपणई नेइथिबा ब्राह्मण मानंक पई। प्रश्न सोलह,
ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର, କରିଷ୍ୟତ୍ କର୍ଷ୍ୟତ୍ ବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, କରିଷ୍ୟତ୍ କର୍ଷ୍ୟତ୍ ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଷଣ ସ୍ୱୟଂ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନୋନୀତ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଏହି ଉଭୟ ଜାତିଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଧ୍ୟୟନ ଜ୍ଞାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମତା ପ୍ରଖର ଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଷେଧ କରି ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ରୂପେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।